हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट डॉग ब्रीड जो कि आप अपने पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी लोगों को शौक होता है या फिर वो एक ऐसी डॉग ब्रीड चाहते हैं जो कि काफ़ी अच्छी गार्ड डॉग हो, ठीक है, जिसमें कि आप लोगों की अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन कर सके। आप घर की प्रोटेक्शन करवाना चाहते हो अपनी खुद की पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए, तो ये डॉग ब्रीड है ये आपकी काफ़ी अच्छी रहेंगे। अगर आप एक पर्सनल प्रोटेक्शन डॉग ब्रीड देख रहे हो तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा टॉप 10 बेस्ट डॉग ब्रीड जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट रहेंगे एज अ गार्ड डॉग, नॉट अ वॉच डॉग। तो आप लोग देख सकते हो इस वीडियो को अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये डॉग ब्रीड किन्हें पालनी चाहिए। ये डॉग ब्रीड वो बंदे पाल सकते हैं जिनके पास प्रॉपर टाइम हो अपने डॉग के साथ एक्टिविटी करने का, क्योंकि ये सारी जो डॉग ब्रीड होंगी ये वर्किंग लाइन की डॉग ब्रीड के बारे में बात करूँगा मैं यहाँ पर, जिनका एनर्जी लेवल हद से ज़्यादा हाई होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बाहर जाने एक्टिविटी पसंद नहीं करते, घर पर रहते हो, फ़ोन चलाते हो, तो ये डॉग ब्रीड आपके लिए सूटेबल नहीं रहेंगी। लेकिन अगर आप एक्टिविटी पसंद करते हो, बाहर जाते हो, प्रॉपर एक्सरसाइज भी करते हो, आपको एक प्रॉपर एथलेटिक डॉग चाहिए, तो आपके लिए डॉग ब्रीड बेस्ट रहेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे नंबर 10 पर है, वो है अकीता। अकीता डॉग ब्रीड कई लोगों को लगता होगा काफ़ी ज़्यादा क्यूट डॉग ब्रीड है, लेकिन नहीं जानते आप लोग ये डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छे पर्सनल प्रोटेक्शन डॉग ब्रीड है। ये काफ़ी अच्छे गार्ड डॉग ब्रीड है, ये प्रॉपर गार्डिंग में काम करते हैं। आपको 1% का भी डाउट नहीं होगा जब आपके घर अकीता गार्डिंग पे बैठा होगा। काफ़ी अच्छे लॉयल डॉग ब्रीड है और आप जानते ही होंगे इनका एक स्टैचू भी बन रखा है अकीता डॉग ब्रीड का ही, तो आप देख लेना अगर आप जानना चाहते हो उसके बारे में प्रॉपर। बाकी ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी डॉग ब्रीड है, बस आपको थोड़ी बहुत ग्रूमिंग में टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है इनके। अगली जो डॉग ब्रीड है वो इटालियन मैस्टिफ, जिसे कि हम केन कोर्सो भी कहते हैं या फिर काने कोर्सो कह लो। ये जो डॉग ब्रीड है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डॉग ब्रीड है और इनकी बाइट फोर्स भी 800 प्लस होती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये डॉग ब्रीड में कितनी ज़्यादा पावर होगी। ये डॉग ब्रीड किसी भी बंदे के अगर खतरा लगता है तो सीधे अटैक करेंगे और शायद उसे जान से ही मारने का दम रखते हैं। ये डॉग ब्रीड ईजिली किसी बंदे का भी अच्छे तरीके से चीर फाड़ कर देगी, इतनी ज़्यादा हैवी और स्ट्रॉन्ग डॉग ब्रीड है। तो अगर आप अपने साथ रखना चाहते हो तो प्रॉपर इनके ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन पे खास ध्यान दें, जिससे कि आपका डॉग ओवर एग्रेसिव ना बने, क्योंकि ये जो डॉग ब्रीड होंगी ये सारे के सारे थोड़ी बहुत एग्रेसिव होंगी। अगली है वो है डच शेफर्ड। डच शेफर्ड के बारे में आप लोग सारे जानते होंगे, वर्किंग लाइन की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और अच्छी डॉग ब्रीड मानी जाती है। ये जो डॉग ब्रीड है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, कई लोगों को ये लगते हैं जंगली कुत्ते जो कि होते हैं जैसे कि अफ्रीकन डॉग्स होते हैं इस तरीके के, लेकिन नहीं, डच शेफर्ड में भी आपको दो तरीके के कोट देखने को मिलते हैं, एक स्मूथ कोट एक लॉन्ग कोट। तो आप देख सकते हो आपके पास कौन से कोट का ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी इनमें इंटेलिजेंस, लॉयल्टी, हर एक चीज़ टॉप पे होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी डॉग ब्रीड है। अगर हम बात करते हैं, आप अगर ट्रेनिंग देना चाहते हो तो आप इन्हें इजीली ट्रेंड भी कर सकते हो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और इनमें ना आपको स्ट्राइप्स देखने को मिलेंगी, ब्लैक 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 ब्लैक, जैसे कि आपको एक टाइगर में देखने को मिलती है, सेम उसी तरीके की आपको इन डॉग्स में भी देखने को मिलती है, ठीक है। अगली जो डॉग ब्रीड है वो है बॉक्सर। बॉक्सर डॉग ब्रीड को कई लोगों को लगता होगा नहीं अब तो ये डॉग ब्रीड इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, जहाँ पे आप लोगों ने एक बार एक वर्किंग लाइन का बॉक्सर पाल लिया जो कि जर्मन बॉक्सर होगा, आप किसी और डॉग ब्रीड पे स्विच ही नहीं करोगे, क्योंकि ये डॉग ब्रीड इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, इतनी ज़्यादा लॉयल होती है फैमिली को लेकर, अगर ज़रा सा भी इन्हें खतरा लगता है ना तो सीधे जाके उसके ऊपर अटैक करके उसे अच्छा खासा डैमेज पहुँचाने का दम रखती है डॉग ब्रीड। बच्चों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी डॉग ब्रीड है, अगर आप बच्चों के साथ रखना चाहते हो बेझिझक रख सकते हो, ब्रेव डॉग ब्रीड है। ऐसा नहीं है कि खतरा देखने पर पीछे आकर दुबक के छुप जाएगी या फिर भाग जाएगी वहाँ से, अगर अटैक करने का मौका मिलेगा या फिर इसे लगेगा खतरा है तो सीधे जाके अटैक करेगी और सामने वाले बंदे को अच्छा खासा डैमेज देगी। ग्रूमिंग इनकी ना के बराबर होती है। अगली जो डॉग ब्रीड है वो बेल्जियन मेरिनुआ। बेल्जियन मेरिनुआ डॉग ब्रीड धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है और इंडिया में आजकल काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं इस डॉग ब्रीड को। जिनके पास फार्म हाउस है वो गार्डिंग के लिए रख लेते हैं या फिर कई बंदे अपने पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए भी रख लेते हैं, मिलिट्री इस्तेमाल कर रही है हमारे यहाँ की, और भी कई जगह इनका इस्तेमाल होता जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी डॉग ब्रीड है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डॉग ब्रीड है। बस अगर आप बेल्जियन मेरिनुआ लो तो किसी अच्छे ब्रीडर से लेना, जिससे कि आपको अश्योरिटी रहे कि आपका डॉग प्रॉपर हेल्दी है, क्योंकि वर्किंग लाइन के डॉग ब्रीड अगर आप कहीं लोकल से ले लोगे थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में तो उनमें वो बात नहीं आएगी, चूँकि एक अच्छे ब्रीडर से लेने पर बात आएगी। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान देना, जब भी आप वर्किंग लाइन का डॉग लो तो प्रॉपर उसके मदर फादर देख के उसकी लाइन चेक करके तभी लो। अगली जो डॉग ब्रीड है वो श्नाउजर, ग्रेट श्नाउजर या फिर जायंट श्नाउजर भी कह सकते हो आप। ये जो डॉग ब्रीड है ये श्नाउजर का बड़ा वर्जन है और आप लोग जानते हो श्नाउजर जो डॉग ब्रीड है वो काफ़ी ज़्यादा
एक इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होती है। इनमें आपको बालों की भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इनके जो बाल होते हैं वो देखने में बड़े लगते हैं लेकिन झड़ते नहीं है। अगर आपको डॉग के हेयर से एलर्जी या प्रॉब्लम है तो इनके बालों से आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप इन्हें ईजिली रख सकते हो। इनकी ग्रूमिंग हाँ थोड़ी बहुत आपको करनी पड़ सकती है। अगली जो डॉग ब्रीड है वो बुल मैस्टिफ। बुल मैस्टिफ काफ़ी बंदे जानते भी होंगे, ये जो डॉग ब्रीड है बड़े साइज़ की होती है। हाँ इनमें आपको राल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ड्रूलिंग की जो प्रॉब्लम होती है इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। बाकी ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी डॉग ब्रीड है, आप इन्हें अपार्टमेंट में भी रख सकते हो। अगर आपके पास 3 या 4 BHK का अपार्टमेंट है आप उन्हें ईजिली रख सकते हो। अगर छोटे घर में रखते हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है आपके डॉग में क्योंकि ये छोटे साइज़ में रहने के लिए सही नहीं रहेंगे, इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो इन्हें उस अकॉर्डिंग स्पेस भी दिया जाए तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। बाकी ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, अगर आप घर में रखना चाहो या फिर आप पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए रखना चाहो तो ये एक अच्छी डॉग ब्रीड है। बाकी ये ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं मांगती। अगली जो डॉग ब्रीड है वो जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड हर कोई बंदा जानता होगा और हर एक ने सुना भी होगा इस डॉग ब्रीड के बारे में। ये डॉग ब्रीड 1% डॉग ब्रीड और हद से ज़्यादा लॉयल होती है, फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान तक दे देती है, इतनी ज़्यादा लॉयल डॉग ब्रीड है ये। अब आप इसकी लॉयल्टी के बारे में आप गूगल पे हर जगह सर्च करके भी पता कर सकते हो कि जर्मन शेफर्ड डॉग कितने ज़्यादा लॉयल रहते हैं फैमिली को लेकर, कितने ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं और कितने इंटेलिजेंट रहते हैं। कई जर्मन शेफर्ड ऐसे होते हैं जो लोग अपार्टमेंट में ही रखते हैं वो भी ये चीज़ जानते हैं, वो अपने डॉग को टॉयलेट और पोटी की हैबिट डालते हैं बाथरूम में, जब उनका डॉग कर लेता है तो वो वहाँ से जब तक पैर नहीं धुल जाएं उसके तब तक वो बाहर नहीं निकलता, तो इतने ज़्यादा साफ़ सफाई भी पसंद करते हैं। कई लोगों को लगता है ऐसे ही होते हैं जर्मन शेफर्ड की गंदा फैलाएंगे या फिर इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे नहीं करते। इतनी भी तारीफ सुन रखी है मैंने जर्मन शेफर्ड की और काफ़ी ईजिली आप इन्हें रख सकते हो। अगर आप सिंगल कोट का जर्मन शेफर्ड लेते हो इनकी ग्रूमिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है सिंगल कोट में, वहीं पर डबल और लॉन्ग कोट में आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रूमिंग का ध्यान देना पड़ सकता है। अगली जो डॉग ब्रीड है वो है जर्मन डोबरमैन या फिर आप कह सकते हो यूरोपियन डोबरमैन। यहाँ ये जो डॉग ब्रीड है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डॉग ब्रीड होती है। ये डोबरमैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं फैमिली को लेकर और काफ़ी अग्रेसिव भी दिखते हैं। अगर हम देखने की बात करते हैं बच्चों के साथ आप इजीली रख सकते हो, घर में अगर आपने डोबरमैन को छोड़ दिया या फिर इनमें से कोई भी एक डॉग ब्रीड भी घर पर है तो आप बेझिझक हो गए कहीं पर भी जा सकते हो, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपके घर में कोई चोरी करने आया या कुछ भी हो रहा है। आपका डॉग किसी को भी अगर आपने खुला छोड़ रखा है घर में घुसने तक नहीं देगा, ये चीज़ की गारंटी रहती है इन डॉग ब्रीड की अगर आप अच्छी जगह से लेते हो। इनमें भी ब्लड लाइन का वैरी करता रहता है, अगर आप शो लाइन का लोगे वो इतनी अच्छी गार्डिंग और प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा, वर्किंग लाइन का डॉग ब्रीड लोगे तो ही वो उसके कैपेबल होता है, तो इस चीज़ का खास ध्यान देना। सबसे जो नंबर 1 पे है वो है रॉटवाइलर। रॉटवाइलर हर एक बंदा जानता होगा, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही हुई है डॉग ब्रीड है और अभी भी है। हर कोई बंदा की पहली पसंद या तो जर्मन शेफर्ड डोबरमैन पे रॉटवाइलर में ही होती है। आगे जो बंदे इन डॉग ब्रीड से पार कर जाते हैं वो जाते हैं केन कोर्सो पिटबुल इन तरीके की डॉग ब्रीड पर। तो इधर जो और भी कई डॉग ब्रीड हैं जो कि मैंने नहीं डाली वो है पिटबुल। इन तरीके की डॉग ब्रीड को भी आप रख सकते हो पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए, काफ़ी अच्छी रहेंगी ये डॉग ब्रीड भी। फ्रेंच मैस्टिफ हो गया और भी कई ऐसी डॉग ब्रीड है। बाकी रॉटवाइलर हर एक बंदा जानता है, इसके बारे में क्या बताऊँ और क्या नहीं, वो हर एक चीज़ कम होगी रॉटवाइलर की तारीफ में। काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड है, हाँ फैमिली को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। अगर आप घर में बच्चों के ऊपर भी पिटाई करते हो तो ये आपको वो भी करने का हक नहीं देगा, तो इस चीज़ का पहले से दिमाग में लेके चलना। अगर आप पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए इनमें से कोई भी डॉग लेके चल रहे हो तो वो बच्चों को भी अन्याय नहीं होने देगा, तो आप वो चीज़ देख सकते हो। बाकी ये सारी डॉग ब्रीड इजी टू ट्रेन है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, इन्हें प्रॉपर एक्सरसाइज कराई जाए तो काफ़ी सही रहेगा। आई होप आप लोगों को इस तरीके की वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।